हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको उन प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ देने वाली हूँ जिन्हें मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे पसंद है। मैं सबसे पहले क्रीम की बात करूँगी। क्रीम में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये यूज़ करें, ये आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। और निविया तो खुद ही एक ब्रांड है तो निविया की ज़्यादा तारीफ करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करती हूँ। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, आपके स्किन पे काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। फाउंडेशन के नीचे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और फाउंडेशन में, फाउंडेशन की बात आई है तो मैं बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन में हमेशा लोग गलत टोन चूज़ कर लेते हैं, और जब भी फाउंडेशन फेस पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है एक्सेस मेकअप हो गया है, या फिर मेकअप ढंग से ब्लेंड नहीं हो पाया है, या फिर बिल्कुल केकी लुक आ जाता है, फेस अच्छा नहीं लगता। मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन ख़रीदो तो अपने स्किन टोन से एक टोन डालकर फाउंडेशन ही ख़रीदो। जैसे कि मैं फिटमी का, मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मेरे पास इसके दो टोन्स हैं। ओके, सो वन इज़ 230 नेचुरल बफ एंड द अदर इज़ 128 वॉर्म न्यूड। वॉर्म न्यूड भी काफ़ी अच्छा है और ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ। मैं डे टाइम में ये यूज़ करती हूँ और मैं नाइट टाइम में ये यूज़ करती हूँ। डे टाइम में थोड़ा डार्क शेड यूज़ करती हूँ, नाइट में मैं नाइट में भी डार्क ही यूज़ करती हूँ, बट हल्का लाइट है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लाइट है। ये मैं यूज़ करती हूँ कि नाइट में थोड़ा, अगर आप लाइट यूज़ कर भी लेते हो तो उतना पता नहीं चलता, बट डे में अगर आपके फेस पे फाउंडेशन ढंग से ब्लेंड नहीं हो पाया या मिक्स नहीं हो पाया तो काफ़ी अजीब सा लगता है, केकी लगता है, ऐसा लगता है मेकअप करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग टाइम पर यूज़ करती हूँ। ओके, मुझे ये दोनों ही काफ़ी पसंद है। और मेबलिन का प्रोडक्ट है, मेबलिन भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत है नहीं, बस मैं सजेशन दे रही हूँ। इन कॉम्पेरिजन ऑफ लैक्मे एंड ऑल फाउंडेशंस, ये दिस इज़ द बेस्ट, मैं ये सजेस्ट करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ मेबलिन कंसीलर, मेबलिन न्यूयॉर्क कंसीलर। ये भी मुझे पसंद है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये है, ये काफ़ी छोटे से पैकेजिंग में आता है। इसकी प्राइस है 475, बट ये काफ़ी टाइम चलता है। इसकी साइज़ देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी टाइम चलता है। आप स्पेशली इसे अपने लिप्स के कॉर्नर पर, टी जोन एरिया पर और आईज़ के नीचे तो कंसीलर लगाना मस्ट है। इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टिक के साथ है तो काफ़ी अच्छे से आप लगा सकते हो और फिर ब्लेंड कर सकते हो। मुझे ये पसंद है, मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ अगर आप